आज दोपहर 12 बजे चौकी प्रभारी राजेश चंद्रवंशी को सूचना मिली कि कुछ नशेड़ी सुबह शाम वीआईपी रोड इंदिरा चौक के पास सीएसबी गार्डन में बैठकर नशा का सेवन करते हैं। इतना सुनते ही रामपुर चौकी प्रभारी ने अपनी टीम के साथ तत्काल घटना स्थल पर रवाना हुए। वहां जाकर जांच पड़ताल की, साथ ही वहां पर मौजूद कुछ लोगों को समझाइश दी कि किसी भी प्रकार के नशा का सेवन करने वाले अगर आते हैं तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। अक्सर देखा गया है कि अपराधी किस्म के लोग नशे का सेवन करके ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। सर क्या सूचना मिली थी, अभी कहाँ हैं और आप? ये सीएसबी कॉलोनी जो ऑफिसर्स कॉलोनी में गार्डन के लिए रिजर्व जगह है, यहाँ सुनसान जगह रहता है। शिकायतें मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं शाम के समय यहाँ बैठ के नशा पत्ती करते हैं, शराब और गांजा मक्की नशीले पदार्थ यूज़ करते हैं। बीच बीच में लगातार हम लोग पेट्रोलिंग कराते रहते हैं। पहले भी ऐसा सूचनाएं मिली थी तो हमने यहाँ पेट्रोलिंग करके लोगों को खदेड़े हैं। अभी भी वही जगह देखने के लिए सूचना मिली थी तो आपके माध्यम से मिली थी, बाकी लोगों से मिलती है कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व लगे रहते हैं, तो इसमें लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही बगल में सिक्योरिटी वाले भी हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि ऐसी कोई सूचना मिलती है तो तत्काल हमको सूचित करें, हम उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर नशे में रोकथाम के लिए किस तरह का प्रयास कर रहे हैं आप अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र को? नशे में रोकथाम करने के लिए लगातार संगवारी पुलिसिंग के माध्यम से, कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम हर समाज में और लोगों के बीच जा करके जागरूकता करते रहते हैं कि नशा पत्ती से दूर रहे, और इसके साथ साथ ही समय समय पर जो ऐसे कार्यों में लिप्त रहते हैं उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। गांजा खिलाफ, दारू खिलाफ लगातार हम लोग अभियान करके ऐसे संलिप्त जो पाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं।